इस किस्म की गर्व वापसी होने वाली है। मैं तुम्हें बताएगा 20 तरीके जिससे इस किस्म कमबैक करेगा एनिमे सीरीज के अंदर। आज पार्ट वन है, इसमें मैं तुम्हें 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और नंबर 5 वाला पॉइंट यार 100% कंफर्म है और नंबर 9 वाला पॉइंट यार तुम्हें अंदर से हिला के रख देगा, सबसे इमोशनल वो होने वाला है। एस को वापस देखना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब कर दो। तो नंबर 1 पोकेमॉन होरिजन। पोकेमॉन होरिजन के इस अध्याय में इस किस्म कमबैक कर सकता है, उसको फ्लैशबैक में मेंशन किया जा सकता है या फिर वो कोई बैटल करता हुआ को दिखाया जा सकता है टीवी के अंदर या फिर स्टेडियम के अंदर जहां पे लिको रोई उसका मैच देखने जा सकते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 2 के बारे में जो कि है स्पेशल स्टोरी। एक किस्म होरिजन सीरीज के अंदर ही कमबैक करेगा लेकिन एक एपिसोड के लिए नहीं, 3 या फिर 4 एपिसोड के लिए किसी स्पेशल मिशन में। जस्ट लाइक पहले लेंस आता था, सिंथिया आती थी, लियोन आता था या फिर डॉन जर्नी सीरीज में आई थी, उसी तरीके से एक किस्म भी कमबैक करेगा होरिजन सीरीज के अंदर, जिसको देखने में मजा आएगा। और पोकेमोन के राइटर्स ने फिर किसी ने इंटरव्यू में बोला था एस किस्म फ्यूचर में जरूर से कमबैक करेगा, तो हाँ यही वो पल है। नंबर 3 स्पेशल मूवीज। एस किस्म आराम से मूवीज में कमबैक कर सकता है, इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जरूर से देखना। नंबर 4 लिमिटेड सीरीज। एस किस्म यार लिमिटेड सीरीज में कमबैक कर सकता है, जस्ट लाइक अभी पोकेमोन जर्नीज के टाइम लेजेंड आरसीएस की सीरीज आई थी जिसमें यार भाई साहब आरसीएस और एस का लफड़ा दिखाया गया था, तो उसी तरीके से अभी भी एक स्पेशल वेब सीरीज आ सकती है जिसमें एस की हमको आगे की जर्नी दिखाई जाएगी। लेकिन नंबर 5 वाला पॉइंट 100% कंफर्म है, ऐसा होने वाला है। तुमने रिपल ऑफ टाइम का फर्स्ट एपिसोड देखा ही होगा जो कि यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल है पोकेमोन के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, तो उसका पार्ट 2 अभी तक आया नहीं है, तो डेफिनेटली वो आएगा और उसी के साथ एस भी कमबैक करेगा। और डेफिनेटली अगर वो सीरीज चल जाती है, अगर वो एपिसोड चल जाता है, तो पोकेमोन वाले इस टाइमलाइन के एस किस्म की जर्नी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। नंबर 6 एस की एक पूरी सेपरेट सीरीज आ सकती है जहां पे वो अपने टाइटल को डिफेंड करेगा, मतलब यार वो पोकेमोन मास्टर बन चुका होगा, हमको ऐसा दिखाया जाएगा और बहुत सारे चैलेंजर्स उसको आएंगे, उसको चैलेंज करेंगे, बिकॉज हमने हमेशा से एस किस्म को देखा है एज ए चैलेंजर, वो दूसरे को चैलेंज करता है, लेकिन हमने कभी भी उसको नहीं देखा है कि वो दूसरे के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने टाइटल को यार बचा के रख पाएगा या फिर नहीं। नंबर 6 मैच्योर स्केचम। डेफिनेटली एक किस्म को बड़ा किया जा सकता है, 20 साल का किया जा सकता है, देन उसकी जर्नी को दिखाई जा सकती है, बिकॉज पोकेमोन वाले मैच्योर एस किस्म को भी दिखा सकते हैं। अभी यार लिको एंड रोय की जर्नी को वो इतना सीरियस कर सकते हैं, तुमको सीरियस एस किस्म तो दिखा सकते हैं ना, पर यार एस किस्म कमर्शियल वैल्यू कितनी ज्यादा है, पैसे छापने की मशीन है यार ये, तो इसको बड़ा करके आराम से स्टोरी दिखाई जा सकती है। नंबर 8 हमको ऐसा दिखाया जा सकता है कि यार मैच्योर होने के बाद पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद यार वो टाइम ट्रैवल करे, वो पास्ट में जाए, 10 साल के एज किस्म से मिले या फिर यार 5 साल के एज किस्म से भी मिले, तीनों के तीनों मिलकर दुनिया को बचाए, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुमने कभी सोचा है ऐसा भी हो सकता है कि एज किस्म यार पास्ट में जाए और एज को बोले लियोन से हार जाओ जानबूझकर, बिकॉज काफ़ी बड़ा लफड़ा होने वाला है, अगर तुम जीत गए तो कितनी अच्छी बात होगी, तुमने कभी सोची है? यार भाई साहब बिल्कुल न्यू टाइमलाइन शुरू हो जाएगी जहाँ पे एज किस्म कभी वर्ल्ड चैंपियन बना ही नहीं। नंबर 9 हमको ऐसा दिखाया जा सकता है सारी स्टोरीज कंप्लीट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, टाइम ट्रैवल करने के बाद एस किस्म एक फाइनल पे ऑफ करे, मतलब यार दुनिया को बचाने के लिए पिकाचू और एस किस्म सामने आए और अपना सेक्रीफाइस कर दे। हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बात है, बट फिर भी तुमने समझने का ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज यार किसी भी कैरेक्टर का अंत होना काफ़ी ज़रूरी बात है। अभी एस का अंत नहीं हुआ है बिकॉज उसको यार बिल्कुल ओपन एंडिंग दी गई है, बट अगर प्रॉपर एंड करना है तो एस का एंड करना, एस की डेथ काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज यार पोकेमोन के किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी फ्रेंचाइज के कैरेक्टर का मरना उसका मरना नहीं है, उसका अमर होना है। फॉर एग्जांपल आयरन मैन, यार आयरन मैन को जानते हो ना कितना ओपी है, उसकी डेथ के बाद वो आइकॉनिक बन चुका है, उसी तरीके से एस की डेथ के बाद यार वो अमर बन जाएगा, और अगर फिर भी उसको कंटिन्यू करना है तो नंबर 10 का पॉइंट हेल्प करेगा और वो है रिबर्थ ऑफ एस किस्म। एस किस्म का आराम से रिबर्थ किया जा सकता है एंड वापस से हमको उसकी जर्नी देखने को मिल सकती है स्टार्टिंग से। भाई साहब इन 10 पॉइंट की मदद से पोकेमोन वालों को 15-20 साल का कंटेंट दे दिया है, बस उनको इसको देखना है और अपनी वीडियो में शामिल करना है, उनको एपिसोड में शामिल करना है। मेरे पास अभी भी 10 पॉइंट और बाकी है, उसको जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड बाय बाय सायोनारा।